संज्ञा को ध्यान से देखिए, पहले आप समझिए संज्ञा क्या है। संज्ञा 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 पढ़ रहे हैं तो संज्ञा का ध्यान रखिएगा। संज्ञा बहुत अच्छा एक चैप्टर है। संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा निश्चित रूप से आपका जो है संज्ञा है। संज्ञा के बाद जब आप संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे तो संज्ञा जो है सर्वनाम में भी आएगा। संज्ञा शब्द जो है सर्वनाम में भी आएगा। विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण में भी क्या आपका संज्ञा जो है विशेषण में भी आएगा। तो संज्ञा के संबंध में आप समझिएगा संज्ञा क्या है ना, संज्ञा क्या है। संज्ञा के में देखिएगा कि संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम भी कहते हैं। संज्ञा को क्या नाम देते हैं? नाम। अर्थात अगर हम कह दें एक मोटे तौर पे हम कहें तो मोटे तौर पे कहेंगे तो कहेंगे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वह शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा कोई अलग से मत समझिए, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। नाम का मतलब होता है कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, संसार में जितने भी वस्तु हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबका कुछ न कुछ नाम है। क्यों? अरे मैं ही तो मेरा नाम है, आप लोग हैं आप सबका नाम है, ये है इसका नाम है, ये लिए हैं इसका नाम है। जितने भी हैं, जितने भी वस्तु हैं, संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका कुछ न कुछ क्या है? नाम है। सबका कुछ न कुछ नाम है। और जब नाम है तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? बस नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जब संज्ञा अगर सोचो संज्ञा करना होती तो क्या क्या दिक्कतें होती? संज्ञा करना होता तो क्या दिक्कत होता? संज्ञा ना होता कम न होने का आशय क्या है कि नाम ना हो। अगर नाम नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति की पहचान अधूरी होगी। व्यक्ति की पहचान अधूरी होगी। व्यक्ति नाम से जाना जाता है और जब संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगी कहने मतलब उसका नाम नहीं होगा। जब संज्ञा नहीं होगा तो उस व्यक्ति का क्या होगा? पहचान। पहचान अधूरी होगी, पहचान नहीं होगा। और संज्ञा के आधार पर ही लिंग परिवर्तन होता है। लिंग का परिवर्तन किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर लिंग परिवर्तन होता है। तो आप समझिएगा संज्ञा है क्या, तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, संसार में जितने भी वस्तु हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबका कुछ न कुछ क्या होता है? नाम होता है। और जब नाम है तो नाम को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। नहीं बात स्पष्ट हुआ? हुआ कन्फर्म? हाँ। इस प्रकार से अगर हम इसको परिभाषित करें, इसकी हम परिभाषा दें तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु, किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्वभाव गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी स्वभाव गुण आदि के नाम को या क्या आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कन्फर्म हुआ? जैसे देखिए, जैसे हम कह दें कोई व्यक्ति हो, जैसे हम कह दें राम, एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है राम, तो राम है तो इसमें कौन सी संज्ञा हो गया? संज्ञा है। लेकिन ये भी क्या है? राम भी क्या है? संज्ञा है, नाम है। जैसे वस्तु के संबंध में कह दें, जैसे कह दें कुर्सी, ये भी क्या है? संज्ञा है। कह दें मेज, यह भी क्या है? संज्ञा है। जैसे कह दें स्थान, स्थान कह दें तो स्थान को हम अगर कहते हैं तो स्थान के संबंध में समझिए, हाँ, जैसे कह दें पटना, ये भी क्या है? संज्ञा है। भाई स्थान है तो स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? आदि के नाम को, आदि के नाम को। अर्थात इन सबको करें किसी व्यक्ति का नाम हो तो भी संज्ञा,
वस्तु का नाम हो तो भी संज्ञा, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्वभाव हो, गुण हो, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? नई बात स्पष्ट हुआ, ये सब है संज्ञा। जैसे कह दिया जाए गाय, एक व्यक्ति और प्राणी, प्राणी के संबंध में समझ लीजिएगा, व्यक्ति कहेंगे तो कोई व्यक्ति ही होगा विशेष, लेकिन प्राणी अगर कह देंगे तो इसमें क्या होंगे? सभी समाहित हो जाएंगे, सब आ जाएंगे, जीव जंतु जितने हैं सब इसी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्वभाव, गुण आदि सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। कन्फर्म हुआ? अब देखिए, अब बात आती है कि संज्ञा जो है कितने प्रकार की, कितने प्रकार की होती है संज्ञा। तो संज्ञा यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला क्या है आपका? जाति वाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा। फिर इसके बाद संज्ञा कौन सी है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। देख रहे नहीं? अब एक दो संज्ञा आपकी और है, वो कौन कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक के व्यापक दायरे में, जातिवाचक के व्यापक दायरे में ही आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यह इसी के दायरे में आ जाते हैं, समझिएगा। लेकिन जब अपरिच्छेद प्रश्न कैसे बनेगा इसमें? जब प्रश्न पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा पांच प्रकार ही बताएंगे। कितने प्रकार की होती है? एनसीईआरटी जो मानती है संज्ञा कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की संज्ञा होती है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के ही दायरे में जो है आपके द्रव्यवाचक और दूसरा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हुआ? आपका नाम है तो आप संज्ञा है, आपके हाथ में पेन है, कोई ना कोई उसका नाम है, पेन आप दिए, नाम एक पेन दे दिए, आप कलम नाम दे दी, वही क्या हो गया? संज्ञा है। कॉपी लिए हैं, किताब लिए हैं आप, वो भी संज्ञा है। वस्त्र है, वो भी संज्ञा है। तो हमने बताया संज्ञा के संबंध में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। संज्ञा है जितना भी प्राणी है, जितना वस्तु है, जितना स्वभाव है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, और नाम है तो नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। और संज्ञा हमने बताया कि तो तीन प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन इसी के जातिवाचक संज्ञा के ही व्यापक दायरे में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा इसी के व्यापक दायरे में आ जाते हैं। लेकिन जब प्रश्न आपका पूछे तो आप उनको इस तरीके से बताइएगा, जो संज्ञा है वह कितने प्रकार की होती है? मैं समझ चुका। कितने लोग नहीं समझ पाया है? जिसको भी ना समझ पाया हो तुरंत बताया हो। कितने लोग नहीं है अभी तक स्पष्ट हुआ? सबका हो गया। चलिए अब एक एक को देखिए। जातिवाचक संज्ञा क्या है आपका? जाति, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा की ऐसी संज्ञा जो जाति समूह का बोध कराए। किसका बोध कराए? जाति समूह का बोध कराए। किसका बोध कराए? जाति समूह का बोध कराए संज्ञा। ये संज्ञा कैसी कहलाती है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, दोनों का उदाहरण एक साथ बताते हैं तो आप अभी अच्छे समझ जाएंगे। पहले चोर बोर्ड पर देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों का एक साथ बता रहे हैं अभी उदाहरण, आपको आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जाति का बोध कराता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह के जाति का बोध कराता है। तो जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। लेकिन इसमें क्या होता है? किसी विशेष
व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं कर सकूंगा, यह है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति समूह जाति का बोध कराएगा और व्यक्तिवाचक क्या करेगा? किसी विशेष, इसको ध्यान रखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध कराएगा। अच्छे समझिएगा, कंफर्म हो जाएगा। जातिवाचक क्या करता है कि जातीय समूह का बोध कराता है और व्यक्तिवाचक जो होता है किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। जैसे देखिए, जैसे हम कहते हैं लड़का, ध्यान देखिएगा लड़का, अब लड़का कहें तो लड़का कहेंगे तो बताएंगे, पूछे लड़का में कौन सी संज्ञा है, तो लड़का कहेंगे तो पूरे लड़के जात क्या बोध हो रहा है ना, पूरे लड़के जात क्या बोध हो रहा है, सब आ जाएंगे उसमें। ये क्या होगा? जातिवाचक, नहीं कन्फर्म होगा। लेकिन अगर हम किसी लड़के का नाम दे दें, विशेष कर दें, व्यक्तिगत कर दें, जैसे हम लिख दें मोहन, मोहन, अब बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है? अब इसमें कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने विशेष कर दिया, व्यक्तिगत कर दिया, समझ रहे हैं? नहीं, मोहन को हमने विशेष कर दिया, जैसे क्लास से ये सभी लोग हैं, इसमें हमने लड़का कहा, पूरे लड़के जात का बोध हुआ। लेकिन अगर हम किसी को एकदम नामित कर दें, अब फिक्स कर दें कि मोहन, सोहन, गीता, सुरेश, रवि, सोहन, अब ये कैसे कैसे लोग हो गए? व्यक्तिवाचक, नहीं कन्फर्म हुआ। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मोहन नाम से भी बहुत लोग हैं, अब मोहन जात के बोध हो रहे सब मोहन, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका नाम मोहन है, जो गुण क्वालिटी मोहन के अंदर है, यह जरूरी नहीं है कि सबके पास वो सारी क्वालिटियां हो, नहीं समझ रहे हैं। मोहन इसमें व्यक्तिगत हो गए, लेकिन अगर आप यह कह दिए कि सब मोहन ही तो हैं, सब मोहन हैं, मोहन में भी इसमें भी जातिवाचक है, कह भी सकते हैं आप इसमें भी जातिवाचक है, लेकिन नहीं, मोहन को इंगित किया गया और मोहन के अंदर जो विशेष गुण है, वो जो विशेष गुण है, विशेष क्वालिटियां हैं, वह सबके पास नहीं है, कन्फर्म हुआ। तो मोहन को विशेष किया गया, इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, नहीं स्पष्ट हुआ। जैसे हम कहते हैं नदी, अब नदी कहेंगे तो संसार की नदी जात क्या बोध होगा? संसार में जितनी नदियां हैं, संपूर्ण नदी जात क्या बोध होगा? लेकिन अगर किसी को विशेष किया जाए, किसी को विशेष कर दिया जाए, जैसे जैसे गंगा को कर दिया जाए, सही को कर दिया, कोई नदी हो, जैसे कर दिया जाए गंगा, अब गंगा को कह दिया जाए, गंगा को कह दिया जाए, अब गंगा को कह देंगे तो मैं व्यक्ति हो गया, अब विशेष कर दिया गया, नहीं समझ रहे हैं। जैसे आपके यहाँ गोमती बहती है, हमारे जौनपुर में, जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के तट पे है, तो अब हम यहाँ पर अगर गोमती लिख दें, अब इसमें भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, कंफर्म हो रहा है। जैसे लिख दें पहाड़, पहाड़ लिख रहे हैं, अब पहाड़ लिख रहे हैं तो पहाड़ लिखने में पूरे पहाड़ जात क्या बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। पूरे संसार के जितने पहाड़ हैं, पूरे पहाड़ जात क्या बोध हो रहा है ना? लेकिन अगर किसी को विशेष कर दिया जाए, जैसे कह दें, जैसे क्या कह दें, जैसे कह दें हिमालय, जैसे कह दिया हिमालय, अब क्या हो गया? जैसे कहते हैं देश, अब देश कहते हैं तो देश में क्या है? विश्व के संपूर्ण देश, देश का बोध हो रहा है ना? लेकिन अगर किसी को विशेष कर दें, जैसे भारत कह दें, भारत कह दें, अब व्यक्तिगत हो गया, कन्फर्म हुआ। हाँ, अब कलम कह रहे हैं तो बताओ कलम में, कलम में कौन सी संज्ञा है? आप लोग बताओ, अब जातिवाचक है, बिल्कुल कलम ही तो हैं,
लेकिन अगर किसी को विशेष कर दिया जाए, किसी को नामित करिए, इसका नाम ले लिया जाए, इसको नामित कर दिया जाए, कौन सा हो गया? कर प्रमुगा? जैसे कहें मिठाई, अब आप लोग बताइएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, कह रहे मिठाई, मिठाई में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, जातिवाचक है। अब पूरे मिठाई जाति का बोध हो रहा है, जितनी मिठाइयां हैं, क्यों सारी मिठाइयों का बोध हो रहा है? हो रहा है नहीं? लेकिन अगर किसी मिठाई को विशेष कर दिया जाए, किसी मिठाई को व्यक्तिगत कर दिया जाए, तो वह क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। नहीं कर पाऊंगा। जैसे कहा दे जलेबी, हाँ अब आप ये भी कर सकते हैं, जलेबी मेरे कई जलेबी है, जलेबी भी कित जातियाँ हैं, जलेबी कई चुटैया जलेबी भी होता है, हाँ अरे जो गुड़ से बनता है, हाँ अब चुटैया जलेबी कह दिया ये जलेबी, कई जलेबी का नाम ले लीजिए, क्यों मुंह से पानी आ गया क्या? तो अरे क्या अब जलेबी, लेकिन जलेबी कह दिया जाए, अब जलेबी तो अब कह सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें व्यक्ति व्यक्तिवाचक है, क्योंकि जलेबी को एक जलेबी है, साधारण जलेबी नामित करिए, जो जलेबी की क्वालिटी है वो अन्य जलेबियों में, जो चटैया जलेबी की है अब उसमें जो क्वालिटी है वो गुड़ैया जलेबी में नहीं है, हाँ जो गुड़ैया जलेबी की क्वालिटी है वो चीनी वाली जलेबी में क्वालिटी नहीं है, सबका अपना अपना विशेष है। तो अब देखिए मिठाई अगर कहा जाए तो क्या बात करते हैं, हाँ क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जो है गुड़ैया जलेबी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन स्वास्थ्य को कौन ध्यान में रखता है? स्वास्थ्य को कौन ध्यान रखता है? स्वास्थ्य को नहीं ध्यान में रखते हैं लोग स्वाद को ध्यान में रखते हैं। किसको ध्यान रखते हैं? स्वाद को। क्यों? अरे करेले की सब्जी सुने हैं, करेले की सब्जी, अब करेले की सब्जी थोड़ा उसका कड़वाहट होता है, उसमें देख रहे हैं तीखापन होता है, कड़वाहट होता है, लेकिन जानते हैं उसके कितने फायदे हैं? उसके अनेक फायदे हैं, रक्त का संचार अच्छे से होता है, चेहरे पे तेज होता है, डायबिटीज में जो है शुगर में फायदेमंद होता है, कई बीमारियों का जो है उसमें उपचार है संभव उससे, लेकिन कोई पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता है ना, लेकिन एक ही भोजन को कई बार पकाया गया हो, आलू पकाया गया, मटर पकाया गया, फिर उसको मिला करके मिक्सर करके पकाया गया, फिर उसको पलट करके तावे पे प्लेट पे पकाया गया, फिर वह ठंडा हो गया, फिर कस्टमर आए, फिर पुनः एक बार पकाया गया, वो ज़्यादा अच्छा है उसकी अपेक्षा। तो हम स्वाद को ढूंढते हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आगे देखिएगा, हाँ अब तो कह दिए, अगर पक्षी कह दे, पक्षी अगर हम कह दें कि पक्षी में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। पक्षी कह दे तो जातिवाचक, लेकिन अगर किसी को नाम ही कह दे कबूतर, गौरैया, कोयल, बुलबुल, सबसे अच्छी आवाज किस पक्षी की होती है? नहीं कोयल की आवाज नहीं होती है सबसे, बिल्कुल नहीं है, हाँ मुर्गे का भी नहीं है, चरखी का भी नहीं है, आप लोगों का जी एस बहुत गड़बड़ है, हाँ मोर नहीं है, ऑप्शन क्या बता दीजिए? बुलबुल का नाम सुने हैं? बुलबुल उसकी आवाज सबसे मधुर होती है, कोयल नहीं है, सबसे मीठी आवाज बुलबुल की होती है। चलिए देखिए सुनाइए, अब बात न करिए, बोल करके हम नहीं सुना पाएंगे। इस तरीके से देखिए संज्ञा को, इस प्रकार से संज्ञा क्या रहा सर? जातिवाचक संज्ञा रहा। कन्फर्म हुआ सब संज्ञा क्या रहा? जातिवाचक। स्पष्ट हुआ? चलिए लिख लीजिए पहले आप लोग।